जिस सिस्टर का नाम अमनदीप कौर है, जो मुस्ताबाद के रहने वाले हैं, जिस सिस्टर की गवाही जी है कि 2 साल से इनके यूट्रस में रसौलियाँ थी, जिससे जो बहुत परेशान थे, और जिस सिस्टर जैसे में संगति में बने रहे और जैसे प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर करते थे और जिस सिस्टर रिसीव कर कर जाते थे कि जो रसौलियाँ मेरे लिए नहीं है, तो जिस सिस्टर ने जैसे रिपोर्ट्स कराई तो आज जिस सिस्टर की जो रिसौलियाँ हैं बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में कोई भी यूट्रस में कोई भी रसौली नहीं है। परमेश्वर ने इनके जीवन के लिए इस बड़ी गवाही को बनाया है। हम इस रिपोर्ट्स को देखते हैं। तो इसमें नॉर्मल है, हम देख सकते हैं। तो इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। सुनो 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 परमेश्वर भला हूं। आपने आज गवाहियों की इंपॉर्टेंस, हाँ मैंने क्या कहा, हाँ आज अपनी गवाहियों की जो इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में उसको सुना, हाँ? और ये छोटी बात नहीं, हाँ बोलो क्या है जी, छोटी बात नहीं है। आपको पता किसी के यूट्रस में रसौली हो और बिना ऑपरेट उसका कोई सलूशन नहीं, कोई हल नहीं है, हाँ? पर जीवित परमेश्वर वो है। जो लोग उस पर भरोसा करते हैं, क्यों लिखा वो लज्जित नहीं होंगे, क्यों लिखा वो शर्मिंदे नहीं होंगे, हाँ? और ये छोटी बात नहीं, बोलो क्या है ये छोटी बात नहीं। मैंने क्या कहा ये छोटी बात नहीं है। क्या नहीं है? ये छोटी बात नहीं है। आपके बेबी है, बेबी पहले कुछ इनसे बेबी इसकी गूंज गूंज इसकी गूंज घटाओ थोड़ी, गूंज बहुत है, हाँ? आपकी मैरिज को कितना टाइम हुआ? 3 साल हुए। देखो यूट्रस में रसौलियों के कारण 3 साल इनकी शादी को हो गई और इसी वजह के कारण इनके बेबी नहीं हो रहा, बच्चा नहीं है। पर परमेश्वर महान है। क्यों बाइबल में लिखा जो कोई भी उसके पास आता है विश्वास करे कि वो है, विश्वास करे परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को ढूंढने वालों को जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें वो बड़ा प्रतिफल देता है। क्या देता है उन्हें? बड़ा प्रतिफल देता, बड़ा प्रतिफल। जैसे अब इसे मिल गया प्रतिफल, हाँ? क्योंकि रसौलियों के कारण ही जो प्रेगनेंसी थी वो हो नहीं रही थी और आज परमेश्वर ने उस रसौलियों से, यूट्रस में रसौलियां थी और आज देखो अल्ट्रासाउंड कराया उसमें कुछ नहीं है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं और सब कुछ नॉर्मल है, हाँ? कहां गई रसौली? किसने गायब कर दी? क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने कहा हे मनुष्य मैंने अपनी बड़ी सामर्थ्य से इस काश और पृथ्वी को बनाया और तेरा काम मेरे लिए कोई भी कठिन, क्या है तेरा काम मेरे लिए कोई कठिन नहीं। पर बात यह है कि हम किस मन से, किस चाहत से, किस विश्वास से, भरोसे के साथ आते हैं और विश्वास करते हैं, हा? कितनों का विश्वास तो डगमगा जाता है, हा? कितने लोग तो भीस में ही परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं, हा? चले जाते हैं ना। पर जो हड़ा और खड़ा रहता है उसकी हर वचन को अपने जीवन में लेता और धन्यवाद करता है वो गवाही से आता है। आमेन। क्या आता है वो बंदा गवाही से आता है, गवाही से। जैसे ये मेरी बहन भी आ गई, हाँ अभी देखना थोड़ी देर बाद, अभी परमेश्वर बहुत हम जल्दी बेबी की प्रेगनेंसी की खुशखबरी की गवाही भी सुनेंगे। मैं विश्वास करना, विश्वास कर, मैं तेरे लिए प्रॉफिट वर्ड देता हूं, बहुत जल्द इसकी प्रेगनेंसी की गवाही भी हम सुनेंगे। क्या सुनेंगे? सुनेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। क्या है वो महान परमेश्वर, हाँ? और वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता, वो सबसे इक्वल प्रेम करता है, बराबर प्रेम करता है, हाँ? करता है कि नहीं करता, हाँ? जैसे 10 कोड़ी आई तो 10 को प्रभु यीशु ने कहा चाहो तुम अपने आप को जाजकों को दिखाओ,
पर एक ही चंगा हुआ, हाँ एक वापस आया और बाकी क्या है, समझ रहे हो? एक वापस आया और नौ अच्छे नहीं हुए। कारण क्योंकि शायद नौ जो बाकी नौ थे, जो कोड तो सबको था, पर शायद उस वचन को नौ व्यक्तियों ने उस मन से नहीं लिया जैसे एक ने लिया। हाँ, जैसे आप बहुत सारे बैठे हो, सबके जीवन में हालात या प्रॉब्लम है ना, तो कौन बंदा किस मन से उस वचन को लेता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ ठीक है, अगर इसने परमेश्वर के उस वचन को, किसी की गवाही को मन से लिया तो परमेश्वर से डिलीवर किया और फ्री किया। हाँ, और आज आज गवाही के साथ आपके सामने। आमेन, आमेन।